चलो तैयार हो जाओ, वक्त आ गया लड़ने का, आजाद होने का। क्या हुआ मंगल भैया, बात क्या है? अपने हथियार उठाओ, गोरे पहुंच गए, रंगून रेजिमेंट घाट पर उतर चुकी है। लेकिन मंगल आज पहली तारीख नहीं है ना? वो जल्दी आ गए, हमें जो करना है अभी करना है। सब अपनी अपनी बंदूकें लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। बंधुओं उठो उठो, तुम अभी भी किस चिंता में निमग्न हो? उठो, तुम्हें अपने पावन धर्म की सौगंध। चलो स्वातंत्र लक्ष्मी की पावन अर्चना के लिए इन अत्याचारी शत्रुओं पर तुरंत प्रहार करो। जिन अंग्रेजों का साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान में फैला था, पहले स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का ये उद्घोष उस अत्याचारी साम्राज्य की बुनियाद की आखिरी ईंट तक गया। यह उद्घोष 1857 में हिंदुस्तान के एक ऐसे योद्धा की हुंकार थी जिसने अंग्रेजों के चूले हिला दी, और यही उद्घोष अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के बाद हुए तमाम विद्रोह की वजह भी बना। इतिहास के पन्नों में पहले स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत मंगल पांडे के तमाम किस्से आपको लिखे मिल जाएंगे। मंगल पांडे उस वक्त के नायक थे और 1857 की क्रांति के अगुआ भी, क्योंकि अपने मुल्क में अपनों पर सितम उन्हें बर्दाश्त न था। 30 जनवरी 1831 को बलिया के नगवा में जन्मे मंगल, उनके विद्रोह से भड़की क्रांति ने अंग्रेजों को हिला दिया था। 30 जनवरी 1831, ये वो तारीख थी जब बलिया के नगवा गांव में मंगल पांडे पैदा हुए थे। ब्राह्मण परिवार में जन्मे मंगल पांडे का परिवार सामान्य था और जीविका के लिए उन्होंने फौज में जाने का फैसला किया। लेकिन यह फैसला उनके जीवन का एक ऐसा फैसला साबित हुआ कि आज तक लोग उन्हें याद करते हैं और उन्हें पहले क्रांतिकारी का दर्जा हासिल है। सन 1857 की लड़ाई किसे नहीं याद, जिसने क्रांति की ऐसी ज्वाला जलाई जिसका असर लगभग 100 साल बाद भारत की आजादी के रूप में दिखा। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे मंगल पांडे, जिनकी कहानी आज हम आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं इतिहासकार रवि भट्ट जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही जिसने एक आम इंसान को इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बना दिया। जी रवि भट्ट जी, ये जानना चाहेंगे कि एक नॉर्मल इंसान, उसने क्या ऐसा देखा जो वो विद्रोही बन गया और उसने इतनी बड़ी इतिहास रच दिया। देखिए, इसमें एक आपको बड़ी मजेदार बात बताएं हम आपको, कि मंगल पांडे के फादर का नाम था दिवाकर पांडे और इनकी मदर का नाम जो था अभय रानी पांडे था। तो आप नाम से समझ लीजिए कि दिवाकर मतलब सूरज और अभय मतलब जो किसी से मतलब नहीं डरता है। तो अब ऐसे का बच्चा होगा तो कुछ तो होगा ही। 22 साल की उम्र में सेना में शामिल हुए मंगल पांडे। 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ज्वाइन की। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना में थे मंगल। चलो तैयार हो जाओ, वक्त आ गया लड़ने का। मंगल सिपाही थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, लेकिन उनकी देह का हर कतरा समर्पित था देश और देश की आवाम को। वो जल्दी आ गए, हमें जो करना है अभी करना है। सब अपनी अपनी बंदूकें लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। शायद इसलिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी रियासत और राज हड़प कर धर्मांतर कर रही थी, जब कंपनी की सेना की बंगाल इकाई में एनफील्ड P-53 राइफल्स में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो मंगल पांडे का खून खौल उठा, क्योंकि कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और इन कारतूसों को बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये बहुत कॉमन नॉलेज है कि वो कारतूस जो इनफील्ड P-53 राइफल्स के अंदर जो कार्टिजेस जो दी गई थी, ब्रिटिश दी गई थी, जिसके अंदर कहा जाता था कि गाय और सुअर की चर्बी है। 9 फरवरी 1857 को नए कारतूस सेना में बांटे गए। मंगल पांडे ने कारतूसों को लेने से इनकार कर दिया। 9 फरवरी 1857,
ये वो तारीख थी जब विद्रोह की पहली चिंगारी भड़की। मंगल पांडे ने कारतूस लेने से इनकार किया और अंग्रेजों ने वर्दी उतार देने का हुक्म जारी किया, लेकिन मंगल ने अंग्रेजों के किसी हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। जब अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन ने मंगल से उनकी राइफल छीनी तो मंगल ने उन पर आक्रमण कर दिया और फिर आई वो तारीख जो हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हो गई। 29 मार्च 1857, ये तारीख सिर्फ एक अदद तारीख पर नहीं है, ये वो दिन है जिसने देश की आजादी की पहली लकीर खींची थी। ये वो तारीख थी जब हिंदुस्तान में आजादी के लिए विद्रोह का बिगुल बजा था। क्रांति की ज्वाला से अंग्रेज शासन बुरी तरह हिल गया। मंगल पांडे ने एक ऐसे विद्रोह को जन्म दिया जो जंगल में आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गया और हर वर्ग का आदमी उसमें शरीक था। उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत ने मंगल को गद्दार कहा, विद्रोही कहा, लेकिन मंगल अपना काम कर चुके थे। जब उन्हें पता भी था कि कुछ ही देर में वो मार भी दिए जाएंगे, बावजूद इसके वो लड़ाई में उतरे। जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही, क्योंकि मार नहीं दिए जाएंगे, बल्कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने डिसाइड ही कर लिया था कि आई विल कमिट सुसाइड। क्योंकि जिस समय 29 मार्च के दिन जब आपको ये परेड ग्राउंड पे वो घूम रहे थे बैरकपुर में, और वहाँ पर इट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड कि वो ही विल रिवोल्ट, एंड ये बात उनके रेजिमेंट के लोगों सबको मालूम थी दैट ही इज गोइंग, एंड बल्कि ये डिसाइड हुआ था ऑलमोस्ट लाइक कि ही विल कम टू द आई रिवोल्ट करेंगे तो बाकी लोग भी आ जाएंगे उसके अंदर वहाँ पर बाकी। लेकिन इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिस समय इन्होंने रिवोल्ट करा, मंगल पांडे ने करा, और उसमें वो इनके एडजुएंट जो थे, जब बाघ आया और बाघ को के ऊपर इन्होंने फायर करा जो कि मिस हो गया था, फिर बाघ ने इन पर फायर करा, एडजुएंट जो बाघ था उसने क्या वो मिस हो गया, पर अल्टीमेटली वो तलवार निकाल के जब आया और इन्होंने अपनी तलवार से उसको ज़मीन पर गिरा लिया। उस समय इसने कहा और लोगों से कि अब तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो, जो इंडियन सोल्जर्स थे तो आप पे क्यों नहीं आ रहे हो, और इसने बल्कि उस समय वहाँ पर ही अब्यूज्ड गाली पकनी शुरू कर दी, क्योंकि ही न्यू दैट कि ही इज ऑलमोस्ट कमिटिंग सुसाइड, और उसके बाद में भी वो लोग नहीं आए। हाँ, ये जरूर हुआ कि किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करी एक्सेप्ट वन, वो शेख पलटू था, उसने कोशिश करी थी जिसको थोड़ी करी गई पकड़ने की कोशिश गई थी, लेकिन जब कोई नहीं आया तो इसको ये बात बहुत बुरी लग रही थी कि बोला कोई भी क्यों नहीं आया। दिस इज वॉज वन ऑफ द रीजन्स कि ही स्टार्टेड, मुँह से उनके वो भी शब्द निकल गए जो कि जनरल बातचीत के बीच में, जिसे आप गाली कहते हैं, एब्यूसिव टर्म्स कहते हैं, वो भी उसने उन्होंने यूज करा। मंगल ने अपने साथियों से समर्थन का आह्वान किया। मेजर हुसैन और लेफ्टिनेंट बॉब को मौत के घाट उतारा। एक तरह से विद्रोह को हवा दी जा चुकी थी। 5वीं कंपनी की 34वीं रेजिमेंट का 1446 नंबर का सिपाही वीरवर मंगल पांडे अंग्रेजों के लिए किसी प्रलय की तरह बनकर आया था। बैरकपुर में मंगल ने जंग का ऐसा उद्घोष किया कि अंग्रेज की समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि इस विद्रोह को कैसे दबाया जाए। 2 अफसरों को मौत के घाट उतार कर मंगल ने अंग्रेजों में खौफ भर दिया था। इस संघर्ष ने अंग्रेजों को पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। जंग आजादी के पहले सेनानी मंगल पांडे ने 1857 में ऐसी चिंगारी फड़काई जिससे दिल्ली से लेकर लंदन तक की ब्रिटिश हुकूमत हिल गई। गुलाम जनता का कलेजा सुलग रहा था। अंग्रेजों के खिलाफ सैनिकों के तेवर तल्ख थे। अत्याचारों से आजिज हिंदुस्तानी अंग्रेजों पर टूट पड़ना चाहते थे, और इसके विरोध को हवा दी थी मंगल पांडे ने 2 फिरंगियों को मारकर। इस घटना के बाद मंगल को पकड़ लिया गया। फौजी अदालत में न्याय का नाटक रचा गया और फैसला आया कि मंगल को फांसी होगी। उन पर कोर्ट मार्शल से मुकदमा चलाकर 6 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुनाई गई।
तय ये था कि 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जाएगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने फांसी की दिन को बदलकर नई तारीख दी, 8 अप्रैल 1857। 1857 में आज ही के दिन देश के वीर सपूत और पहले क्रांतिकारी पहले शहीद भी बन गए। उन्हें सूर्य की पहली किरण फूटते ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। मंगल पांडे की मौत क्रांति का अंत नहीं बल्कि आगाज साबित हुई। भारत के एक वीर सपूत की शहादत की खबर पूरे मुल्क में फैल गई और क्रांति की लपलपाती हुई लपटें फिरंगियों को लील लेने के लिए भड़क उठी, और इसके बाद एक नए नारे का उदय हुआ, मारो फिरंगी। दस मई 1857 एक ऐसी तारीख है जो स्वतंत्रता के इतिहास में अहम तारीख मानी जाती है। मेरठ की सैनिक छावनी में भी बगावत हो गई और ये विद्रोह देखते ही देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया। बगावत और मंगल पांडे की शहादत की खबर फैलते ही अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष भड़क उठा। ऐसा विद्रोह हुआ कि सैनिकों समेत कई राजा, रजवाड़े, किसान और मजदूर भी इस संघर्ष में शामिल हो गए और अंग्रेजी हुकूमत को करारा झटका लगा। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि मंगल पांडे ने जो क्रांति का बीज बोया था, 90 साल बाद वो आजादी का ऐसा वट वृक्ष बना जिसकी आंधी में अंग्रेजी हुकूमत उखड़ गई। आज आजादी के पहले नायक को लोग नमन कर रहे हैं, उन पर फिल्में बन चुकी हैं, किताबें लिखी गई हैं। 2005 में मशहूर अभिनेता आमिर खान अभिनीत मंगल पांडे द राइजिंग प्रदर्शित हुई। इस फिल्म को केतन मेहता ने निर्देशित किया था। 2005 में ही द रोटी रिवेलियन नाटक का भी मंचन किया गया। जेडी स्मिथ के पहले उपन्यास व्हाइट टीथ में भी मंगल पांडे का जिक्र है और भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 1984 में मंगल पांडे के सम्मान में एक डाक टिकट जारी की थी। मंगल पांडे एक ऐसे नायक थे जिनकी हिम्मत ने अंग्रेजों की अत्याचारी हुकूमत को हिलाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। पूरा देश उन्हें सलाम करता है। स्पेशल डेस्क लाइव टुडे।